सभी का स्वागत, मैं अरुणा त्यागी। घोसी विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया। सपा नेता शिवपाल यादव ने क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष पर मतदाताओं को धमकाने का भी आरोप लगाया। शिवपाल यादव ने पार्टी के 10 विधायकों के साथ मिलकर DIG आजमगढ़ से मुलाकात कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग की। शिवपाल यादव ने मऊ जिला प्रशासन पर धांधली और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, बहुत सी शिकायतें थी जो चुनाव हो रहा है घोसी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोसी और गोपागंज थाने हैं वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए, वोट पड़ने से रोक रहे हैं, वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव, हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और किसी को रोका ना जाए और टेरर नहीं फैलाया जाए। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, 2-3 दिन से आ रही हैं। हम तो वहीं थे कल तक और अभी भी हैं, हम यहीं पर आजमगढ़ में हैं। तो ये कंप्लेंट हम करने आए हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और ख़ासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को चुनाव वोट डालने से रोका न जाए और टेरर न फैलाया जाए। तो ये से हाँ, आयोग में भी अभी मिलने जा रहे हैं, अभी मिलने जा रहे हैं, मऊ में हम मिलने जा रहे हैं, उनसे भी कंप्लेंट करेंगे। जो देखिए सरकार का यहाँ प्रेशर है, जो कम से कम मतदान हो अल्पसंख्यक भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, कम से कम इस तरह की घटनाएं हमें शिकायतें मिली हैं, तो हम सब लोग आए हैं, यही कंप्लेंट करने आए हैं। भाजपा को हार का डर। बता दें कि 5 सितंबर को घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं BJP ने सपा छोड़कर आए दारा सिंह को चौहान में अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बीते 6 सालों में यह घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को चौथी बार मतदान किया जाएगा, जिसमें 2 बार BJP ने बाजी मारी तो 1 बार समाजवादी पार्टी ने भी जीत का स्वाद चखा। विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान ने सपा के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही दारा सिंह चौहान सपा का साथ छोड़कर भगवा खेमे में शामिल हो गए थे, जिसके चलते घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई थी।